नमस्ते, पिक्चर रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं वन पीस नामक एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म के बारे में बताऊंगा। बिगाड़ने वाले आगे सावधान रहें और ध्यान रखें। लोगोई टाउन में कुख्यात समुद्री डाकू गोल्ड रोजर को मरीन वाइस एडमिरल गारप की निगरानी में फांसी देने के लिए एक मंच पर ले जाया जाता है। फांसी से पहले भीड़ में से एक व्यक्ति रोजर से पूछता है कि उसने अपना खजाना, जिसे वन पीस के नाम से जाना जाता है, कहाँ छोड़ा था। रोजर जवाब देता है कि चाकू लगने से पहले उसने इसे किसी के ढूंढने के लिए छोड़ दिया था। जल्लाद भीड़ खोज शुरू करने के लिए भागती है, जबकि रोजर हंसता है, जो शुरुआत का प्रतीक है। महान समुद्री डाकू युग। 22 साल बाद लफी एक छोटी सी डोंगी नाव में है, जो एक पक्षी को वन पीस खोजने, ग्रैंड लाइन को पार करने और समुद्री डाकुओं का राजा बनने के अपने सपने के बारे में बता रहा है। दुर्भाग्य से नाव में तेजी से पानी भर रहा है, इसलिए लफी एक बैरल के अंदर चला जाता है, जो नाव डूबने के बाद बह जाता है। बैरल अंतः नौसैनिक युद्ध से गुजर रहे दो जहाजों के बीच में तैरता है। कैप्टन अल्विडा के नेतृत्व में समुद्री डाकू का एक समूह एक यात्री नाव पर हमला कर रहा है, और बीच में लड़ाई के बाद लफी का बैरल बरामद कर लिया गया और उसे जहाज पर लाया गया, और कुछ त्वरित चालों के बाद अलविदा का दल आसानी से कब्जा कर लेता है। फिर अलविदा इनामी शिकारी जोरो का स्थान जानने की मांग करती है, जिसके बारे में उसका मानना है कि वह वही है। उसके इनाम के बाद एक यात्री ने खुलासा किया कि वे जोरो को सिक्सिस द्वीप पर ले गए, लेकिन अलविदा जोरो के पास नहीं था। सूची इससे अलविदा क्रोधित हो जाती है, जो तुरंत उस आदमी को मार देती है और केबिन बॉय कोबी को सफाई करने का आदेश देती है। बाद में शाम को कोबी डेक के नीचे सफाई कर रहा था, जब अचानक लफी उसके बैरल से बाहर निकल गई। कोबी डर के मारे चिल्लाता है, लफी को उसे चुप कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अलविदा पायरेट्स के बारे में जानने के बाद लफी ने खुलासा किया कि वह भी एक समुद्री डाकू है, जो कोबी को आश्चर्यचकित करता है क्योंकि लफी अच्छा है। लफी का कहना है कि सभी समुद्री डाकू हिंसक नहीं होते हैं, और वह उसे अपने बचपन की एक कहानी बताता है। लफी विंडमिल विलेज में पली भी, जहाँ अक्सर रेड हेयर पायरेट्स और आया करते थे, उनके कप्तान शैंक्स, जिनकी लफी आदर पूर्वक प्रशंसा करते थे। लफी उनमें शामिल होना चाहता था, लेकिन शैंक्स उसे ठुकराता रहा। लफी ने अपनी कठोरता साबित करने की कोशिश की, लेकिन इससे उसकी आंख के नीचे एक निशान पड़ गया। एक बार जब हर कोई सो रहा होता है, तो दोनों चुपचाप डेक से ऊपर चले जाते हैं और शीर्ष पर जाते हैं, जहाँ लफी होता है। एक चप्पू पकड़ लेता है, लेकिन उसे घुमाने पर गलती से घंटी बज जाती है और चालक दल जाग जाता है। अलविदा ने लफी का सामना किया, यह सोचकर कि वह एक इनामी शिकारी है, लेकिन लफी ने उसका अपमान किया और उसे धमकाया। उसने गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया। अलविदा के बाकी दल भी युद्ध में कूद पड़ते हैं, और उनमें से एक केवल लफी को गोली मार देता है, ताकि उसका शरीर गोली को सोख सके और उसे वापस फेंक सके। लफी ने तब खुलासा किया कि उसकी महाशक्ति रबर से बनी एक बॉडी है, और वह इसका उपयोग चकमा देने के लिए करता है। आसानी से लड़ाई जीतते हुए सभी समुद्री डाकुओं के हमले। संघर्ष में क्रोधित अलविदा ने गलती से जहाज में आग लगा दी और कोबी को दोषी ठहराया। वह उसे मारने की कोशिश करती है, हालांकि लफी अपने हाथ को बहुत पीछे तक फैलाने और तड़कने से पहले अपने सिर से वार सह लेता है। यह अलविदा की ओर है, उसे जहाज पर भेज रहा है। उसके दल ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, और लफी ने कोबी को एक नाव और राशन लाने के लिए कहा, छोड़ सकना। इस बीच सिक्सिस द्वीप पर मिस्टर सेवन जोरो से संपर्क करता है और उसे एक सोसाइटी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। हत्यारों का जोरो ने उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया और सेवन का अपमान किया, जिसने तुरंत अपनी तलवारों से हमला किया। जोरो अपनी तलवारों और अपने महान कौशल से अपना बचाव करता है, जिससे उसके लिए कमर पर 7 वार करना आसान हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन लफी और कोबी एक छोटी नाव पर यात्रा कर रहे हैं, और कोबी पूछता है कि लफी का शरीर कैसे फैल सकता है। लफी बताते हैं कि 10 साल पहले वह एक बार में रेड हेयर पायरेट्स के साथ थे, और उन्होंने उनके खजाने की जांच करने का फैसला किया। उसे एक छोटा सा डिब्बा मिला, जिसके अंदर एक असामान्य फल था, और उसे खा
खाने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसी समय डाकू हिगुमा और उसका गिरोह बार में आया और पेय की मांग की, लेकिन बारटेंडर ने उन्हें सूचित किया कि वह बिक गई है। शैंक्स ने हिगुमा को आखिरी बोतल दी, लेकिन हिगुमा ने उसे काउंटर पर तोड़कर जवाब दिया। हालांकि शैंक्स ने चारा नहीं लिया और बस सफाई करना शुरू कर दिया, जिससे हिगुमा ने जाने से पहले और भी चीजें तोड़ दी। लफी ने शैंक्स को वापस न लड़ने के लिए कायर कहा और जब उसने बार से बाहर निकलने की कोशिश की तो शैंक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। लफी की बाह फैल गई और शैंक को तुरंत पता चल गया कि लड़के ने एक शैतान फल खाया है जिसने लोगों को एक विशेष शक्ति प्रदान की, लेकिन उनके लिए तैरना भी असंभव बना दिया। फिर लफी ने कोबी से उसके सपने के बारे में पूछा और कोबी ने स्वीकार किया कि वह एक मरीन बनना चाहता है। लफी ने फैसला किया कि वे समुद्री बेस पर जाएंगे ताकि कोबी शामिल हो सके और उसे वहाँ का नक्शा मिल सके। ग्रैंड लाइन वहाँ से ज्यादा दूर नहीं, नामी एक नाव पर फंस गया है जिसके पास खजाने के अलावा कुछ नहीं है और वह उसके पास पहुँच जाता है। दो समुद्री डाकुओं द्वारा वह उनसे मदद मांगती है और समुद्री डाकू संदूक की जाँच करने के लिए नाव पर कूद पड़ते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। यह खाली है। यह सब नामी का कृत्य है जो उनके जहाज पर कूदता है और दूर चला जाता है। कुछ समय बाद लफी और कोबी शेल्स टाउन में उतरते हैं और एक बार में जाते हैं जहां जोरो और नामी हैं। बहुत जबकि नामी एक समुद्री अधिकारी के साथ फ्लर्ट करती है, बारटेंडर की बेटी जोरो को नाश्ता देने की कोशिश करती है, लेकिन वह गलती से एक महत्वपूर्ण समुद्री कप्तान के बेटे हेलमेप्पो से टकरा जाती है। हेलमेप्पो को बुरा लगता है और वह उसके स्नैक्स को जमीन पर पटक कर अपने पैरों से तोड़ देता है, लेकिन जोरो बीच में आकर स्नैक्स खा लेता है और हेलमेप्पो से लड़की से माफी मांगने के लिए कहता है। हेलमेप्पो अपनी बात का जवाब देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही पूर्ण बार विवाद में बदल जाती है। लफी इस बात से प्रभावित है कि जिस तरह जोरो अपनी मूठों से आसानी से सभी को हरा देता है, तलवारें जबकि नामी अधिकारी को गिराने और उसकी वर्दी चुराने के लिए व्याकुलता का उपयोग करता है। जोरो ने हेलमेप्पो को घेर लिया जो सौदे के लिए जोरो को उसके पिता से मिलने ले जाने की पेशकश करता है। मरीना बेस पर जोरो कैप्टन मॉर्गन से मिलता है और मिस्टर सेवन पर इनाम मांगता है। हालांकि मॉर्गन का कहना है कि नौसैनिकों पर हमला करना एक अपराध है और इसमें 7 दिन की सजा का प्रावधान है। कैद होना, यदि जोरो खुद को शामिल नहीं करता है तो वह इनाम एकत्र करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए जोरो कैद होने के लिए सहमत हो जाता है। इस बीच लफी मरीन बेस में घुसना चाहता है और जब उसे एक सीवर पाइप दिखाई देता है तो उसे एक विचार आता है। अगली सुबह बंधे हुए जोरो का सामना हेलमेप्पो से होता है जो जोरो को ताना मारता है। तलवारें यह खुलासा करते हुए कि मॉर्गन का 7 दिन खत्म होने के बाद उसे मुक्त करने का कोई इरादा नहीं है। उसी समय लफी सीवर की जाली से बाहर निकलता है और जोरो के पास आता है, इसलिए वह उससे पूछता है उसके दल में शामिल होने के लिए। जोरो ने मना कर दिया और जब लफी ने उसके सपने के बारे में पूछा तो जोरो ने खुलासा किया कि वह बनना चाहता है दुनिया का सबसे महान तलवारबाज। प्रभावित होकर लफी सीवर में वापस जाने से पहले जोरो को खोल देता है। बेस के अंदर नामी किसी का ध्यान न भटकने के लिए चोरी की वर्दी का उपयोग करता है। जब वह पुस्तकालय में प्रवेश करती है तो एक अधिकारी उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है और नामी का दावा है मॉर्गन ने उसे ग्रैंड लाइन का नक्शा खोजने के लिए भेजा था। अधिकारी का कहना है कि यह असंभव है क्योंकि महत्वपूर्ण मानचित्र मॉर्गन में बंद है कार्यालय। लेकिन नामी के जवाब देने से पहले जिस अधिकारी से उसने चोरी की थी वह प्रकट हो जाता है। नामी तुरंत अपना डंडा बाहर निकालती है और बड़ी कुशलता से उन दोनों को तुरंत बाहर गिरा देती है। उस समय लफी छत की जाली से गिर जाती है, इसलिए नामी अपना झूठ जारी रखती है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन लफी सब कुछ सुन लेती है और उसका पीछा करती है ताकि वे चोरी कर सकें। इस बीच हेलमेप्पो अपने कमरे में चोरी की तलवारों से खेल रहा था, तभी जोरो अचानक अंदर घुस आया। हेलमेप्पो पूछता है कि क्या वह उसे मारने जा रहा है, लेकिन जोरो जवाब देता है कि वह कुछ और बुरा करेगा। लफी में वापस वह और नामी अचानक मॉर्गन से मिलते हैं, लेकिन नामी दिखावा करती है कि वह एक अधिकारी है। लफी को अपने कक्ष में ले जाता है और मॉर्गन उन पर विश्वास करता है। नामी उसकी चाबियां चुराने में सफल हो जाती है और लफी कहता है कि उसे उसके दल में शामिल होना चाहिए, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह समुद्री डाकुओं से न
नफरत करती है। दोनों मॉर्गन के कार्यालय में घुस जाते हैं और जैसे ही वे मानचित्र की तलाश करते हैं, गलती से लफी आ जाता है। एक स्विच को ट्रिगर करता है जिससे फर्श पर एक तिजोरी दिखाई देती है। लाइब्रेरी में मॉर्गन घायल अधिकारियों को ढूंढता है और नामी के बारे में सच्चाई सीखता है, इसलिए वह आवाज उठाता है अलार्म। फिर मॉर्गन अपने कार्यालय में जाता है और दरवाजा तोड़ने के लिए अपने कुल्हाड़ी वाले हाथ का उपयोग करता है। तिजोरी को खोलने के लिए पर्याप्त समय के बिना लफी ने अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे बाहर निकाला और अचानक बल ने उसे और नामी को खिड़की से बाहर कर दिया। बाहर गार्ड उन दोनों का सामना करते हैं जिससे एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। जब जोरो लड़ाई देखता है तो वह बाहर जा रहा होता है और वह भी इसमें शामिल होने का फैसला करता है और उन तीनों के लिए सभी अधिकारियों पर काबू पाना आसान हो जाता है। हालांकि मॉर्गन जल्द ही आ जाता है और वह बहुत मजबूत हो जाता है, इसलिए लफी और जोरो को एक साथ काम करना होगा जबकि नामी गार्ड को संभालेगा। जोरो ने अपनी थ्री स्वॉर्ड स्टाइल का खुलासा किया और इसका उपयोग मॉर्गन के कुल्हाड़ी वाले हाथ को पकड़ने के लिए किया, जिससे लफी को एक स्ट्रेच किक लॉन्च करने की अनुमति मिली जो मॉर्गन के चेहरे पर लगी और उसे हरा दिया। बाद में जोरो अपनी बड़ी ताकत का उपयोग करके तिजोरी उठाता है और उसे नामी की नाव तक ले जाता है। तीनों एक साथ भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी समय हेलमेट पो प्रकट होता है, खुलासा करता है कि जोरो ने उसके बाल तोड़ दिए और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। हालांकि कोबी आता है और पहले उसे बाहर कर देता है। कोबी उनके साथ नहीं जा रहा है क्योंकि वह मरीन में शामिल हो रहा है। लफी इसका सम्मान करता है और कोबी को अपना दोस्त कहकर चला जाता है। इस बीच गारब को एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा चोरी हो गया है। उसी समय काबाजी अपने कप्तान बग्गी के लिए वही खबर लाता है जो पाने का वादा करता है, नक्शा अपने लिए। बाद में जहाज पर लफी अपने बचपन के बारे में सोचता है। एक दिन जब वह बार में अपनी शक्तियों का परीक्षण कर रहा था, शैंक्स अचानक उसके साथ आ गया। क्रू महीनों का राशन मांग रहा है। लफी ने उससे पूछा कि वह कब लौटेगा, लेकिन शैंक्स ने कहा कि वह नहीं लौटेगा। फिर लफी ने नामी को परेशान करना शुरू कर दिया जब वह मॉर्गन की तिजोरी खोलने की कोशिश कर रही थी। वह लफी को धक्का देती है और उसकी पुआल टोपी को लगभग उड़ा देती है, ऐसा लफी उसे बताती है। टोपी को धमकी न दें क्योंकि यह उसकी सबसे प्रिय संपत्ति है। जब नामी अंततः तिजोरी खोलता है और ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढता है तो वे अचानक वहां पहुंच जाते हैं। एक निकट आ रहे जहाज द्वारा हमला किया गया जिसने गोलियां चलाई जिससे उनके चारों ओर लाल गैस फैल गई। गैस के कारण तीनों बेहोश होने लगते हैं, इसलिए लफी पहले नक्शा निगलना सुनिश्चित करता है। कुछ समय बाद तीनों एक लकड़ी के टोकरे के अंदर जागते हैं जिसे जल्द ही बग्गी के चालक दल द्वारा सर्कस प्रदर्शन के बीच में छोड़ने के लिए नीचे ले जाया जाता है। सर्कस में नागरिक भाग लेते हैं जिन्हें उनकी सीटों पर जंजीरों से बांध दिया गया है और उन्हें वही करने का आदेश दिया गया है जो क्यू कार्ड पर दिखाई देता है। फिर बग्गी यह कहते हुए प्रवेश करता है कि उसे नक्शा चाहिए। उसका ध्यान भटकाने के लिए नामी ने लफी की शक्तियाँ दिखाते हुए कहा कि वह प्रदर्शन कर सकता है, फिर दौड़ता है तंबू से बाहर। बाहर वह यह जानकर हैरान हो गई कि शहर को बग्गी के दल ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और समुद्री डाकू उसे पकड़ने के लिए उसके पास पहुँचे। बग्गी ने जोरो और नामी को ले जाने का आदेश दिया जबकि वह लफी से नक्शे के बारे में पूछताछ कर रहा था। शेल्स टाउन में गारप बेस पर पहुँचता है जहाँ मॉर्गन बताता है कि क्या हुआ, लेकिन झूठ बोलता है अच्छा दिखने के विवरण के बारे में। बाद में कोबी को गारप के कार्यालय में बुलाया जाता है जहाँ उसे मोल कहा जाता है क्योंकि वह था लफी के साथ देखा गया। कोबी समझाता है कि लफी ने उसे अलविदा से मुक्त कर दिया है और उसका सपना एक नौसैनिक बनना और लाना है न्याय के लिए लफी जैसे समुद्री डाकू। गारप ने उत्तर स्वीकार कर लिया और कोबी से कहा कि वे मिलकर लफी को पकड़ लेंगे। बाद में गारप ने झूठ बोलने की सजा के रूप में मॉर्गन को अपने सभी अधिकारियों के सामने बांध दिया, फिर घोषणा की कि वे लफी का शिकार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सर्कस में जोरो को एक पहिए से बांध दिया गया है जबकि नामी को एक पक्षी पिंजरे में बंद कर दिया गया है। जबकि नामी पिंजरे को खोलने के लिए ताला खोलने की कोशिश करता है, कैबाजी अंदर आता है और अपना परिचय देता है जोरो को, यह खुलासा करते हुए कि उसने इनाम के लिए अपने भाई को मार डाला। जोरो को काबाजी के भाई की याद नहीं है जिससे काबाजी को गुस्सा आता है और वह ऐसा करने लगता है। जब जोरो पहिया पर घूम रहा हो तो उस पर चाकू फेंकने
रखना शुरू करें। मुख्य मंच पर बग्गी ने लफी को एक यंत्र से बांध दिया है जो उसकी बाहों को फैलाता है। पैर रिंग के पार हैं, लेकिन इससे लफी के रबर शरीर में कोई दर्द नहीं होता है। अचानक बग्गी की नज़र पुआल टोपी पर पड़ती है और वह उसे शैंक्स की टोपी के रूप में पहचानता है, जिससे पता चलता है कि वह और शैंक्स वह उसी दल में था और दावा कर रहा था कि शैंक्स ने उसे धोखा दिया है। फिर बग्गी एक बच्चे को स्ट्रेचिंग डिवाइस में डालने की धमकी देकर लफी को बात करने की कोशिश करता है। गुस्से में लफी खुद को बंधन से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और बग्गी के चेहरे पर मुक्का मार देता है, जिससे अजीब तरह से उसका सिर उड़ जाता है। हालांकि बग्गी ने खुलासा किया कि वह जीवित है और उसने एक शैतान फल भी खाया है, जिससे उसे इच्छानुसार अपने शरीर के अंगों को अलग करने की शक्ति मिली। बग्गी ने उसका हाथ अलग कर दिया और उसे लफी के सिर के पीछे उड़ा दिया, जिससे एक गैस बम विस्फोट हुआ जिससे लफी गिर गया। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।